आज हमारी मुलाकात हो रही है कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में, एक शानदार प्रतिभा जिसे कहेंगे हम। लोगों ने बारंबार हमसे कहा कि आपने इतनी प्रतिभाएं दिखाई, लेकिन जो एक प्रतिभा के धनी है बृजन पंडित जी, आप उनको अभी तक अपने कार्यक्रम में नहीं लाए हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में बृजन पंडित जी हैं। बृजन पंडित जी, हम कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में आपका स्वागत करते हैं। राधे राधे, धन्यवाद सर। अच्छा, अब ये जानेंगे हमने जो एक जो ये सफर था आपका कीर्तन भजन का, ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कितनी उम्र होगी लगभग जब आपकी? वैसे तो ये है, जब से होश संभाला छोटेपन से ही जी, ये पीछे गुरुद्वारे में कीर्तन बिक रहा। अच्छा, तो वहाँ हम लोग जाते थे बहुत छोटी अवस्था में। अच्छा अच्छा, फिर ठाकुर जी की कृपा से ऐसे हुआ, बड़े हुए तो ऐसे जाने लगे। फिर ठाकुर जी कृपा से ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मंडली बनवाई सब लोगों को मिली, उसमें हमारे गोपाल भी थे, पप्पू जी और बहुत लोग, मैं क्या कितने नाम गिनाऊं, मधुर बिहारी जी, राजू मेंबर साहब, बहुत ऐसे लोग थे, सुमित जी हैं। अच्छा, सब लोगों ने मिलकर कीर्तन शुरू किया और खूब जहीदाबाद में बड़े धूमधाम से, फिर लगभग 20-25 साल। अच्छा, ये कहा जाता है कि अब तो बहुत सारी मंडलियां हो चुकी हैं, लेकिन उस समय एक ही मंडली हुआ करती थी। एक उस समय तरीके की। हाँ, लेकिन ठाकुर जी कृपा से फिर वो अलग अलग बट गए ना। ऐसा नानक देव की कहानी में आता है जी कि गुरु नानक किसी गांव में गए जी, तो एक गांव में जो गए तो कुछ लोगों ने बिल्कुल उनका स्वागत नहीं किया, तो जब विदा हुई सुबह को तो उन्होंने गांव वालों ने कही कि भाई महाराज कुछ कृपा करके दो, बोले भैया तुम्हें ये आशीर्वाद है, तुम एकजुट रहो, तुम बट ना जाओ। फिर अगले दिन दूसरे गांव में गए तो उन्होंने बड़ी सेवा करी, तो उन्होंने कुछ भी मांग नहीं करी, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, तुमको हमारा आशीर्वाद है, तुम जब बट जाओ। अच्छा, गाँव हम अब जब निकले वहां से तो उनके अनुयाज ने कहा महाराज जी इन्होंने तो बहुत सेवा करी, इनको आपने कह दिया बट जाओ, और उन्होंने आपकी कुछ सेवा ना करी और आपकी अवहेलना ही करी, उनसे आपने कहा एकजुट रहो, उन्होंने कहा भैया इसलिए ये गंदगी एक जगह रहेगी नहीं तो एक ही जगह रहेगी, और ये जो हैं लोग खुशबू वाले ये बढ़ जाएंगे तो जगह जगह, मतलब कीर्तन वाले तो कीर्तन ही करेंगे जी, और शराब वाला शराब पिएगा, तो इसलिए गुरु नानक देव ने सबको बांट दिया। ऐसे ही ठाकुर जी ने कृपा करके हम लोगों को भी अलग अलग करके सब लोग कीर्तन जो कर रहे हैं। अच्छा, हम ये बताएं जो आप बाबूजी हो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ये हमने गुरु नानक देव के बारे में सुना भी होगा कि वो एक जो उन्होंने बनाई थी, उन्होंने उपदेश दिया था किसी गांव ने मांगा था तो आप यहीं रहिए और आप फैल जाइए, तो वही शीर्षक के बारे में बाबूजी बता रहे हैं हमें। अच्छा, अब ये जानेंगे जो पहला भजन था आपने वो कौन सी उम्र में, वो कब गाया था, कैस कौन सा याद है? भजन लाला गाया करीब 30-35 साल पहले, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और महीना था जनवरी का जी, पहली बार गाया था गोसाइयों को मंदिर है वहां पे, तो मेरे को जनवरी के महीने में पसी जा गए। अच्छा, वो कौन सा था, चार पंक्ति उसकी सुना? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, ये पहला भजन था जो मैंने सार्वजनिक रूप से गाया। अच्छा, इसके बाद एक टीम बनती गई, आपसे लोग जुड़ते गए। अच्छा, ये भी कहा जाता है एक जो बस बनाई थी आपकी समिति ने, हाँ, वो मतलब शब याद काफी परेशानी हुआ करती थी, वाहन नहीं मिला करते थे, उसी दौरान एक समिति ने निर्णय लिया भी एक बस बनाई जाए जो गरीब वगैरह गरीब लोगों के और जो सभी के काम आए, सभी के काम आती, तो ऐसा क्या था, क्या सोच विचार आया था आपके मन में? ऐसा तो पहली बात तो पहली प्रश्न का तो जवाब ये है, आपने कोई बनाई मंडल तो ना हमने बनाया, ये तो ठाकुर जी कृपा से है, उन्होंने कृपा करके, एक हमारे यहाँ कहावत है कि जा पर कृपा करें नद नंदन, तासो करावे अपन बंधन, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसी से वो अपना गुणगान करती है। अच्छा अच्छा, धन देना, पद देना, प्रतिष्ठा देना, मान देना, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो हमारे प्रारब्ध का फल है, प्रारब्ध
भगवान की कृपा है कि भगवान अपना नाम हमसे निभाने लग जाए, नहीं? तो ये पहली प्रश्न कहते जब वो ठाकुर जी कृपा से ये हुआ, फिर इसमें धनराशि आने लगी। जी जी, जब धनराशि आई लाला, धनराशि बहुत इकट्ठी हुई इसमें, तो हम सब लोगों ने मीटिंग करके, सब नगरवासियों ने और लोगों ने भी मीटिंग करके, हम मंडल वालों ने, कि भाई इसका क्या किया जाए। तो गरीब कन्याओं की शादी में, मंदिर के निर्माण में, और इस तरह देते रहे। फिर ऐसा प्रस्ताव आया कि एक भाई अंतिम यात्रा वाहन जिले बुलंदशहर में नहीं है, सब एक यहाँ जहांगीराबाद की सुविधा के लिए एक अंतिम यात्रा वाहन बनाया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे नगर के लिए, सौभाग्य की बात है कि समिति द्वारा दो ऐसे कार्य किए गए जिसको आज भी हम सराहेंगे। क्योंकि एक तो शव यात्रा में बस का होना बहुत जरूरी बात है, और एक जो निर्धन जो व्यक्ति थे उनकी बेटियों की शादी होना, हाँ। ये बहुत बड़ी, और दोनों इन चीजों से ही जूझता है आदमी, लेकिन उस समिति ने उसका हल निकाला और आगे बढ़ाया। अच्छा, एक जो समिति आपकी जब बनी, आपने उस दौरान एक भजन भी गाया हुआ, वो सब समिति बन के जब इकट्ठा हुई थी, तो वो कौन सा भजन था? फिर तो लाला बाद में तो ये भजन ज्यादा रहे, मैं तो मीरा जी के, सूरदास जी के भजन तो और लोग हमारे गाते थे। जी जी जी, है ना, मुझको तो मेरे को चाहता था, है ना, फिर भी जो भी कुछ है वो एक भजन मेरे को मीरा जी का बहुत अच्छा लगता है। दर्शन दी जो आए प्यारे, दर्शन दी जो आए, तुम बिन रहो न जाए प्यारे, तुम बिन रहो न जाए। मैं तो ये, और लोग मेरे पे तो गाना छा भी ना लाला। अच्छा, ये जो जैसे आप अब लोग इकट्ठे होते होंगे, आपके जो पुराने लोग भी आते होंगे, और आप अभी भी जाते होंगे कार्यक्रमों में, लगभग जाते हैं भी हैं। वो तो चल रहा वर्तमान में, कार्यक्रम चल रहा है। तो अब ऐसा कौन सा जो नया लेटेस्ट हम कहेंगे जी वो भजन आ रहा है आपका, वो कौन सा भजन है? मैं पुणे आपसे कहूँ, मैं भजन कीर्तन जो भी है आपका, हाँ चलो वो भजन तो, और बच्चे बहुत नई नई उम्र के, देखो एक अब आप बात समझाऊ मैं, हमारा ये नगर जो है ना जहांगीराबाद, ये धर्म नगरी है जी, इसको बताऊं 15 साल से तो रामचरितमानस का पाठ चल रहा है पथवारी आश्रम पे, जी जी जी, औरंगाबाद वहां पे चल रहा है, बीनर द्वीप पे रामचरितमानस का पाठ अखंड रूप से 15 साल से, बहुत बड़ी बात है, ये कहने में बहुत सुकून लगेगी। और सब धर्म के लोग, सब धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख जी, सब धर्म के लोग ऐसे रहते हैं, कभी ही विवाद नहीं हुआ है, ये धर्म नगरी है जहांगीराबाद, इसीलिए यहाँ ऐसे उत्सव ऐसे सब कुछ होते रहते हैं, मिलजुल के सब। देखिये जैसे प्रशासनिक और शासनिक लोग कहते हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारी नगरी जो सौहार्द की एक मिसाल है, वो सौहार्द की मिसाल बड़े बूढ़ों ने और नई उम्र के लोग भी देख रहे हैं कि जगह जगह कुछ भी पाते हुए, लेकिन हमारे लोग बीच में बैठे हुए चीज को समझौते से निपटा दिया, हाँ। और एक धर्म नगरी कही जा सकती है, क्योंकि 15 साल से आप बता रहे हैं कि वहां पाठ चल रहा है, हाँ, पथवारी आश्रम पथवारी आश्रम पे, बड़ी बात है, रामचरितमानस का पाठ, क्योंकि एक चीज को कंटिन्यू चलाना बहुत बड़ी बात होता है। तो आज हमने कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में आपसे रूबरू कराया बृजन पंडित जी से, किसी श्रृंखला में कल एक और प्रतिभा से आपको रूबरू कराएंगे, नमस्कार। देखो हमारे बड़ी यहाँ भक्त तो बहुत है लाला, बहुत भक्त हैं, सभी जातियों में हैं, सभी धर्मों में हैं, मुस्लिमों में बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक नानक चंद जी हैं जी, हमारे नानक चंद जी हैं, वो जो माह के महीने में वो फेरी निकालते हैं, 25 साल हो गए उनको, अच्छा सुबह सुबह जो निकालते हैं, अच्छा अच्छा सुनते हैं, सुनते हैं वो बड़े सभी धार्मिक लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, लेकिन जो है कृपा करके वो चलिए जी, ठीक है, इसी कार्यक्रम में हम एक और प्रतिभा से कल आपको रूबरू कराएंगे, नमस्कार एंड बाय।